उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 26 जनवरी को चालू होने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ये बात सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कही। दरअसल यूपी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम को तेजी से करने की कवायद में जुटी है। इसी क्रम में निर्माण कार्यों का जायजा व समीक्षा करने सुल्तानपुर में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी पहुंचे हैं। अपनी टीम के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, 6 लेन निर्माण गुणवत्ता की जांच पर कराई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण संबंधी पैकेज 3 लगभग 70% तैयार है और पैकेज 4 के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है, जो पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य में गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही फ्लाईओवर और आरओबी की रफ्तार तेज की जाएगी और काम पूरा करके 26 जनवरी 2021 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिव्यू किया गया था, पैकेज 3 और पैकेज 4। पैकेज 3 आपको द्वारा बनाया जा रहा है, पैकेज 4 जो है जीआर इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात को बताने के लिए कि पैकेज 3 75-76% ऑलरेडी कर चुका है और जनवरी के अंत तक 90% पैकेज 3 पूरा कर देगा। इसके अलावा पैकेज 4 में भी काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी है। अगले 3 महीनों में 6% यानी 18% प्रोग्रेस देकर हमारा प्रयास है कि इस पूरे स्ट्रेच को पैकेज 3 और 4 को 26 जनवरी तक हम काम शुरू कर दें, यानी ट्रैफिक मेन कैरिजवे पर शुरू कर दें। यही आज लक्ष्य था जिसके लिए जो है सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इस सड़क को हर हालत में जनवरी तक हम ट्रैफिक थ्रू करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको के पैकेज ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम किया है, जीआर इंफ्रा ने भी अपना काम तेज किया है, इसकी क्वालिटी भी हम चेक करा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जिले के बल्दी राय में एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से जानकारी ली और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग आलोक कुमार भी साथ में मौजूद थे। नाव 44 के लिए कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।